बढ़ते कोरोना केस को देखते हुए जिला कलेक्टर ने जनता से कोरोना टीकाकरण के दोनों डोज लगवाने को लेकर अलीराजपुर कलेक्टर मनोज पुष्प ने की जनता से अपील। 16 दिसंबर को होने वाले महाअभियान में टीकाकरण टीम को डोर टू डोर अभियान चलाते हुए पूर्व ड्यू डोज लगाने को लेकर कहा। वहीं दक्षिण अफ्रीका में ओमिक्रॉन वेरियंट को लेकर सतर्कता बरतने के लिए भी कहा। कल सेकेंड डोज का महावैक्सीनेशन का अभियान चल रहा है और सभी मीडिया के साथियों से, जनप्रतिनिधियों से सबसे ये हमारी अपील है कि आपके क्षेत्र में जिन लोगों ने भी फर्स्ट डोज लगा लिया है और सेकेंड डोज ड्यू हो गया है तो उनको आप वैक्सीनेशन सेंटर पे ले आए। हम लोगों ने वैक्सीनेशन टीम को भी कहा है कि वो घर घर भी जा करके जहाँ भी सेकेंड डोज ड्यू हुआ है उनको लगाए। दोनों डोज लगाया जाना अत्यंत आवश्यक है क्योंकि जो पूरी इम्यूनिटी आती है वो दोनों डोज लगाने के बाद ही आती है और वैक्सीनेशन के कोई भी दुष्परिणाम नहीं है, किसी तरह का कोई हेल्थ इशू नहीं है। इस तरह के किसी भी अफवाह से या किसी भी तरह के अफवाह से अपने को दूर रखें। और अभी जैसा आप सुन रहे होंगे कि बड़े शहरों में फिर से कोरोना के केसेस बढ़ने लगे हैं, दूसरे वेरिएंट्स भी आ रहे हैं, तो ज़रूरी है कि हम लोग अपनी पूरी जो जनता है उन सभी को दोनों वैक्सीन लगा लें ताकि जनवरी फरवरी में जब केसेस बढ़ेंगे तो उस समय हमको इससे बचाव के लिए इससे बेहतर कोई तरीका नहीं है। हम दोनों वैक्सीन लगाएँ और सोशल डिस्टेंस का पालन करें, मास्क लगाएँ, इसके बिना हमको कोई बचाव नहीं होना है। किसी भी तरह के अफवाह में न रहें, किसी भी भ्रम को ना पालें और दोनों वैक्सीन अवश्य लगाएं। सर एक चीज़ पूछना चाहूँगा, 26 अगस्त को सर अपने प्रभारी मंत्री जी आए थे, निरीक्षण किया था सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का, यहाँ पे सर उन्होंने शायद पत्र दिया था एक्सरे मशीन के लिए, अगले हफ्ते चालू हो जाएगा। ओके, जोबट से मुकेश राठौर की रिपोर्ट।